दिल्ली के करोल बाग के होटल में लगी भीषण आग, 17 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजधानी दिल्ली के करोल बाग स्थित तार्किक होटल में मंगलवार 12 फरवरी को सुबह आग लग गई। आग होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर लगी है। होटल में आग की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अभी तक 17 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। मिली जानकारी के अनुसार होटल की आग में झुलसने से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। जो लोग होटल में फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम जारी है। हालांकि अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिरकार ये आग लगी कैसे। जान बचाने के लिए इमारत से कूदे लोग। मंगलवार की सुबह अचानक अर्पित पैलेस होटल के अंदर से आग की लपटें आने लगी। देखते ही देखते आग पूरी मंजिल पर फैल गई। इससे होटल में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। इतना ही नहीं, अपनी जान बचाने के लिए लोग होटल की इमारत से कूदने लगे। जानकारी के मुताबिक होटल से अब तक 25 से ज्यादा लोगों को इमारत से सुरक्षित निकाला जा चुका है। इमारत में अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, WNN न्यूज़।